कुछ अलग खाने का मन हो तो एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिए। नाश्ते का तो और खाने का मजा आएगा ही, साथ में बहुत ज्यादा हेल्दी और टेस्टी रोटी होती है। तो आज हम बनाएंगे ज्वार की रोटी और साथ में बहुत ही टेस्टी आलू गोभी की सब्जी, वो भी बिना प्याज लहसुन के। इतनी टेस्टी सब्जी बनके तैयार हुई कि घर में सबको बहुत मजा आया। इसके साथ ही जो हमने वो बनाई थी ज्वार की रोटी, उसको बनाते समय कई लोगों को दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप एक बार ये रेसिपी देख लेंगे ना, तो ये देखिए कितनी नरम मुलायम जवार की रोटी बनकर तैयार हुई है, गेहूं की रोटी से भी ज़्यादा मुलायम और हेल्दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 400 ग्राम के लगभग फूलगोभी लिए और 400 ग्राम ही मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। 5 आलू हैं। सबसे पहले हम फूलगोभी के बड़े बड़े फ्लोरेट्स निकाल लेंगे, और अगर ज़्यादा बड़े फ्लोरेट्स हों तो उसके बीच में से दो टुकड़े कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए आजकल गोभी बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी आ रही है, बस गोभी का फूल देख कर लीजिए, एकदम से ऊपर साफ हो और अंदर से वो खिला खिला ना हो तो इसका मतलब वो बिल्कुल साफ होगा, फिर भी गोभी के ऊपर भरोसा कर नहीं सकते। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस मौसम में आप गोभी को कैसे बनाइए। और साथ में जो आलू मैंने लिए थे उनको भी मैंने बड़े बड़े टुकड़े काट लिए हैं, मैंने एक आलू में से 4 पीस किए हैं। इस तरह से बनी हुई आलू गोभी की सब्जी जो कि प्याज लहसुन के बिना बनी हो ना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बस इस तरह से अब हम क्या करेंगे, एक फ्राइंग पैन लेंगे। सबसे पहले हम आटा गूंद कर रख देते हैं, 5 ही मिनट का टाइम लगेगा, गेहूँ के आटे से भी जल्दी बन जाएगा। 1 कप मैंने पानी है बिल्कुल परफेक्ट नाप से, साथ में 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच इसके अंदर हम देसी घी डाल देंगे। जब पानी के अंदर अच्छे से उबाल आना शुरू हो जाएगा तो बस हमें क्या करना है, 1 कप जवार का आटा लेना है और इसके अंदर फटाफट से डाल देना है। हमें बिल्कुल भी इसको देर नहीं करनी और गैस का फ्लेम साथ के साथ बंद कर देना है। ये देखिए मैंने गैस का फ्लेम आपके सामने साथ के साथ बंद कर दिया और गर्म पानी में हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसे इस समय गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बहुत गर्म है, बस हमें इसे अच्छे से हल्का हाथ से मिक्स करना है और अब हम इसे ढककर रख देंगे। ढकने से क्या होगा, इसके अंदर हल्का सा मॉइस्चर आ जाएगा और बहुत बढ़िया हमारा जवार का आटा गूंद कर तैयार होगा। अब सबसे पहले गोभी की ट्रिक देख लेते हैं। फूल गोभी को बनाने के लिए इस मौसम में आप क्या करें, एक बड़े फ्राइंग पैन में पानी लें, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें और जो फूल गोभी हमने कट करके रखी है उसके बाद वो हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ में डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी। हल्दी और नमक के पानी में सिर्फ 1 मिनट के लिए हम फूल गोभी को बॉईल कर लेंगे। इससे इसके अंदर जितने भी केमिकल्स होंगे, क्योंकि इसको हार्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर स्प्रे किए जाते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। अब इसको हम छान कर साइड में रख देंगे और एक मसाला बना लेते हैं। मैंने 2-3 हरी मिर्च लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 2 टमाटर लिए हैं, क्योंकि आज हम बिना प्याज टमाटर के बना रहे हैं, तो अगर बिना प्याज और लहसुन की सब्जी बनानी हो तो हमें थोड़ा सा टमाटर ज़्यादा डालना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का तो बेंगलोरी टमाटर लिया है जिससे ग्रेवी अच्छी बने, और एक टमाटर मैंने देसी लिया है, इससे खट्टी सब्जी अच्छी बनेगी। बहुत ही चटपटी सब्जी बनकर तैयार हुई थी। अगर आप सबको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज बहुत कम तेल में सब्जी बनाएंगे तो उस हिसाब से हो सकता है कि आपको सब्जी में ऑयल कम लगे, लेकिन स्वाद बिल्कुल पूरा आएगा। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के लगभग सरसों का तेल अच्छे से तेज गर्म किया है। उसके बाद जो आलू हमने कट करके रखे थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे और आलू को अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। 2 या 3 मिनट के अंदर ही आलू अच्छे से सुनहरे हो जाएंगे। ये देखिए 2-3 मिनट हुए हैं और आलू अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। बस हमें आलू को निकालना नहीं है, क्योंकि आलू और गोभी को हम इसी कढ़ाई के अंदर पका लेंगे। तो मैंने इसके अंदर जो फूल गोभी के हमने बॉईल करके रखे थे पीस, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी 1 से 1.5 मिनट तक हाई फ्लेम पर सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आलू गोभी जब हम फ्राई करके बनाते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया और चटपटी करारी सब्जी बनकर तैयार होती है। ये देखिए गोभी के ऊपर भी अच्छे अच्छे ब्राउन से स्पॉट्स आ गए हैं, मतलब गोभी भी अच्छे से फ्राई हो गई है। और सिर्फ मैंने आपके सामने 2 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया था। अब इस सारी आलू और गोभी को हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और 1 से 1.5 चम्मच के लगभग ऑयल जो है वो और डालेंगे। मैंने इस सब्जी को बनाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सूखी सब्जियों का जो मज़ा सरसों के तेल में आता है वो किसी और तेल में नहीं आता। आप इसकी जगह कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे जरूर बताएं। अब तेल के अंदर डाल देंगे वो मसाले, वही सौंफ कोटी हुई 1 चम्मच जीरा, धनिया दरदरा पिसा हुआ 1 चम्मच, सरसों, हींग और थोड़ी सी मेथी। अब जो टमाटर का पेस्ट हमने अदरक हरी मिर्च के साथ बना के रखा था वो डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए 2-3 मिनट के अंदर ही टमाटर में काफ़ी पानी था, इस वजह से फटाफट से टमाटर का पेस्ट जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बस इसी स्टेज पर हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़े मसाले। 1 चम्मच मैंने इसके
अंदर धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कच्चा जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से हमारी सब्जी का बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अगर आप सबको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हूँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह की रोज़ रोज़ वीडियो देखने को आपको मिलेंगी। मैं हर मौसम और स्वाद के अनुसार वीडियोज़ बनाने की कोशिश करती हूँ, तो प्लीज़ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच के लगभग दही डाल देंगे। दही बिल्कुल फ्रेश हो तो अच्छा है और साथ में रूम टेम्परेचर पियो। अब डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और सारी चीज़ों को अच्छे से लगातार चलाते पकाएंगे। थोड़े से खड़े मसाले भी साथ में डाल देंगे। वैसे खड़े मसाले तेल में ही भूनने चाहिए लेकिन मैं भूल गई थी, पर मुझे खड़े मसालों का स्वाद गोभी आलू में बहुत अच्छा लगता है। 2-3 लौंग लिए, 3-4 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची और 1 तेज पत्ता। अभी भी इनका बहुत अच्छा फ्लेवर सब्जी में आएगा। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। अब क्योंकि आज हमने तेल कम डाला है तो ये देखिए इसके अंदर जो है बहुत कम ऑयल आपको रिलीज होता हुआ नजर आएगा। अगर मैंने सब्जी में तेल ज़्यादा डाला होता तो आपको काफ़ी तेल नजर आता। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 से 1.5 कप के लगभग पानी। वैसे तो आलू गोभी की सब्जी बिना पानी के बड़े आराम से बन जाती है, लेकिन आज मैं थोड़ी लपटवा सब्जी बना रही हूँ, थोड़ी लटपटी सी और थोड़ी सी मिली हुई सी, यानी जिसमें आलू और गोभी अच्छे से मिक्स हो जाएं और ताकि मिक्स होकर बहुत बढ़िया टेस्ट देते हैं। कभी आपने इस आलू गोभी की सब्जी का पराठा खाया है? मैं आपको एक टिप बताती हूँ, अगर वैसे तो ये सब्जी मेरी गारंटी है बचेगी ही नहीं, बच्चे भी इस सब्जी को इतना टेस्ट लेके खाएंगे, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी सब्जी बन जाए ना तो उसको अच्छे से मैश कीजिए, उसमें प्याज डालिए और बहुत बढ़िया पराठे भरकर तैयार हो जाते हैं। अब ये देखिए, अब जो आटा था ना वो हल्का सा ठंडा हो गया और हाथ से अच्छे से मैश हो रहा है। अभी इस स्टेज पर हमें इसमें पानी नहीं डालना है। हाँ, पर क्योंकि अभी इसमें आपको काफ़ी सूखा नज़र आ रहा होगा, आप धीरे धीरे इसे मलते रहेंगे ना तो आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे ये अपने आप ही धीरे धीरे करके मैश हो जाएगा। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें 1-1 चम्मच करके 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल सकते हैं। मैंने टोटल इसके अंदर 3 टेबल स्पून पानी डाला है और 1/2 चम्मच इसके अंदर हम घी डाल लेंगे। बस इसको अच्छे से गूंथते रहेंगे और ये देखिए कितना अच्छा हमारा डो बन के तैयार है। गेहूँ के आटे से भी ज़्यादा आसान ये रोटी बनाना हो जाता है अगर आप मेरी सारी टिप्स को फॉलो करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी जो है हम इसमें से लोई बनके तैयार हो रही है, एकदम एक साथ, कोई भी क्रैक नहीं है। बस इस तरह से हम सारी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे, उसके बाद एक साथ ही हम रोटी बना सकते हैं। पर हाँ, आपको 2 काम करने हैं, रोटी बनाने के बाद भी और लोई बनाने के बाद भी। इसको अच्छे से ढककर रखना है वरना ये आटा बहुत जल्दी से सूख जाता है। बस अब इसे मैंने वापस से ज्वार के आटे में ही हल्का हल्का कोट किया है। आज हम गेहूं के आटे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जो लोग ग्लूटेन फ्री खाना चाहते हैं ना उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया है। अब ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये रोटी बिल रही है, किनारे तो इसके फटेंगे ही, लेकिन इसके लिए भी मेरे पास एक टिप है। बहुत आराम से, बहुत एक साथ, बहुत पतली रोटी, आप जितनी मर्जी पतली चाहें उतनी पतली रोटी जो है बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपके सामने मैंने जितना आटा लिया था उसमें से 8 ही रोटी बनके तैयार हुई हैं। आपको भी पता है 1 कप गेहूं के आटे में भी 8 ही रोटी बन पाती हैं और इसमें भी 8, तो इसका मतलब कितनी पतली रोटी बनी है। अब किसी भी ढक्कन से हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे और हमारी बहुत इकसार, ये देखिए सारी की सारी रोटी ऐसे ही इकसार बनके तैयार हुई थी। और इस तरह से हम सारी रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। मैं आपको अभी 1 ही रोटी बनाकर दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी भी है और क्योंकि और वीडियो भी लंबी हो जाती है, पर आप बड़े आराम से इस तरह से सारी रोटी बना लेंगे। अब सेकने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जी मैंने दूसरी गैस पर रख दी है और इस गैस पर हम पहले रोटी को एक तरफ से सिकने देंगे, फिर एक तरफ से पलट लेंगे और दूसरी तरफ से इसको सिकने देंगे। इस तरह से जब अच्छे से सिकने लग जाए तब हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो इसके फुलके भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे आलू गोभी के साथ पराठे बनाने थे तो मैंने पराठे बनाए हैं। और ये देखिए कितनी अच्छे से सारा जो हमारा पराठा है ना वो फूल गया है। सारे पराठे बहुत कम ऑयल में बनाए हैं, नाम मात्र को, एक एक बूंद ऑयल में, उसके बावजूद इतने नरम मुलायम पराठे बन के तैयार हुए, घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको भी मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बस इस तरह से हल्का हल्का ऑयल लगा के हम सारे पराठे सेक कर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं। मैंने कुछ पराठे देसी घी में भी बनाए हैं बच्चों के लिए और कुछ पराठे रिफाइंड ऑयल में, जिसको जैसा पसंद हो। इधर हमारी सब्जी भी बनकर तैयार है, थोड़ी जल्दी है तो फटाफट से वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और सब्जी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत बढ़िया आलू गोभी की लिपटवा सब्जी बनकर तैयार है।
आलू गोभी की खड़ी खड़ी सब्जी भी अच्छी लगती है, लेकिन ये एक बार लिपटवा सब्जी बनाइए, यानी जिसमें आलू और गोभी थोड़े से मैश हो गए हों, इसका बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। मुझे उम्मीद है आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। तो चलिए कल फिर मिलेंगे और मैं आपको बताती हूँ कि ये कितनी रोटी कितनी मुलायम है, आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए एकदम नरम मुलायम रोटी बन के तैयार हुई है और गेहूँ के आटे से भी नरम है। इसका पता आपको कैसे लगेगा, इतने आराम से रोटी टूट रही है। हाँ, इसका रंग थोड़ा ऐसा ही रहेगा क्योंकि ज्वार के आटे का रंग यही होता है, तो इससे जो रोटी बनती है ना उसका कलर भी यही आएगा। तो चलिए बाय, मैं तो चली खाना खाने, आप सब भी खाइए मेरे साथ, बाय।